ये चटनी है, इसमें मिला के और तब खाएंगे, है ना। रोज़ा है आज, शाम को खोलेंगे, है ना। हाँ शाम को रोज़ा खोलेंगे शाम को। ये चटनी है, रोज़ा शाम को खोला जाएगा। अरे बेटा लाइट आती है, है? नहीं आती। बाबू इसमें सोते हो आप, मच्छर नहीं खाते? मच्छर खाना, मच्छर खाते हैं। पक्का मकान नहीं खाते? पक्का मकान जैसे और लोग रहते हैं पक्के मकान में, है ना। पहले बता रहे थे आपके आग लग गई थी। हाँ लग गई, पहले बाद में पर फूस की झोपड़ी थी। उन्नीस सौ अस्सी का दौर तो आपको याद होगा। आज हम गांव छेजा घाट में मौजूद हैं, जो बुलंदशहर ब्लॉक में लगता है, और मात्र यहां से शहर की दूरी 9 से 10 किलोमीटर है। हम आपको दिखा रहे हैं यहां पे, देखें आप तस्वीरों में। ये दौर आपने अब कभी फेसबुक पे या यूट्यूब पे वीडियो में देखा होगा। इस तरीके से दिखाते हैं कि भाई पहले 1980 और 85 के दौर में इस तरीके से झोंपड़ी पड़ी हुई रहा करती थी। और किचन, किचन दिखाओ, ये किचन है। पीछे हट के, पीछे हट, थोड़ा पीछे हट के दिखाओ, ये किचन है। इस तरीके से किचन हुआ करता था। और बकरियों को भी दिखाओ उधर, ऐसे बकरी चला करती थी। तो ये वही दौर एक बार फिर से हम आपको तस्वीरों में दर्शा रहे हैं। माँ जी इधर आ जाइए थोड़ा सा। कैसी हैं आप, ठीक है? नहीं तो तबीयत खराब चल रही है। खराब चल रही है, क्या पड़ा गया? अटैक? अरे चलो ठीक हो जाओगी। ये मकान आपने क्यों नहीं बनवा पाए, क्या वजह रही? प्रधान से भी आपने कहा होगा कभी ना कभी? कभी यहाँ के प्रधान जब कुछ करे ना तो क्या करा? प्रधान ने कुछ नहीं किया, किसी ने करा। लैटरिन को भी कही तो लैटरिन भी, शौचालय भी नहीं बन पाया, कुछ नहीं हो रहा है। खेतों में जाते हैं? हाँ खेत में जाते हैं पीछे। बड़े दुख की बात है, मेरा जिला ODF में घोषित कर दिया गया कि बुलंदशहर जिले में एक भी ऐसा गांव नहीं बचा है कि एक भी शौचालय रह गया हो बिना बने। साफ तौर से आप देख रहे हैं यहाँ पर, साक्षात को प्रमाण की जरूरत नहीं है। ना तो मकान बना हुआ है, ना ही शौचालय बना। शौचालय नहीं बना? नहीं। देख ये थोड़ा दिखाइए मुझे, आप अपना मकान दिखाइए। ये देखिए, है ना, इस तरीके से हमारी भाभियाँ चाचियाँ ऐसे खड़ी हुआ करती थी ना, इस तरीके से ही। वही सब कुछ हमें देखने के लिए मिलता है। आइए देखिए, ये मकान है और इस तरीके से यहाँ झोंपड़ी डालकर ये लोग रहते हैं। तो आपने कहीं शिकायत करी कहीं इस तरीके से जैसे करते हैं? नहीं कहीं भी नहीं करी शिकायत। तो किसी से प्रधान वगैरह, जैसे गांव का प्रधान होता है, खेतों में जाना पड़ता है? हाँ खेतों में जाते हैं। हमारी बहन बेटियां अगर खेतों में इस तरीके से जाएंगी, वाकई बहुत गलत है। जी माँ जी, तीन बहू हैं, तीन बहू हैं, सब खेतों में जाते हैं यहाँ से। दुख की बात है। ये है मकान और सब आप देख रहे हैं कि पुराने दौर की तरह अंधेरा हो रहा है। रहने तो लाइट ही नहीं है, लाइट भी नहीं होगी। हाँ लाइट पीछे से कर लेना। अच्छा अच्छा, तो ये मकान हमने आपको दिखाया। और गांव की ओर चलते हैं, कुछ लोगों से जानकारी जुटाते हैं कि बाकी गांव का भी कैसा हाल है। ये देखो चूल्हा भी ऐसे ही बन रहा है ना, इधर भी देखो चूल्हा ऐसे ही बन रहा है। सब कुछ 1980 और 85 के दौर का दिखाई दे रहा है। चलिए चलते हैं दूसरी ओर। अब हम आपको एक और ऐसा ही मकान दिखाएंगे। ये आप देखें मकान है, धुआं जो दिखाई दे रहा है आपको, ये चूल्हा चल रहा है। आप इसी मकान में रहते हैं बेटा? क्या नाम है आपका? मुस्कान। मुस्कान, ये क्या बना रहे थे आप? दिखाओ ये क्या है, दिखाओ दिखाओ, कौन सी चटनी दिखाओ, दिखाओ ना बेटा, दिखाओ चल के। ये चटनी है बेटा ये? इसे क्या करोगे, चटनी का मतलब इससे खाना? हाँ ये चटनी है, इसमें मिला के और तब खाएंगे, है ना। रोज़ा है आज, शाम को खोलेंगे, है ना। हाँ शाम को रोज़ा खोलेंगे शाम को। ये चटनी है, रोज़ा शाम को खोला जाएगा। गरीब लोग इस तरीके के भी हैं हमारे शहर, हमारे ज़िले में। ये मकान है, ये दीवार आप देख रहे हैं, धुआं है इस घर के अंदर, लाइट का कोई प्रबंध नहीं है। बेटा लाइट आती है? हैं? नहीं आती। बाबू इसमें सोते हो आप,
मच्छर नहीं खाते? मच्छर खाना है। मच्छर खाते हैं? तो बेटा ऐसा पक्का मकान भी हो तुम भी चाहते हो ना? ना। पक्का मकान नहीं चाहते? पक्का मकान जैसे और लोग रहते हैं पक्के मकान में। हाँ। है ना। और पढ़ाई वढ़ाई पढ़ाई पढ़ने जाते हो कहीं पे? अब तो स्कूल ही बंद है, अब कहाँ जा रहे हो? ट्यूशन। अच्छा ट्यूशन जाते हो, चलो बहुत अच्छा। चलिए खैर यहाँ आप देख रहे हैं तो ये मतलब आग लगने का खतरा नहीं रहता यहाँ पे इस तरीके जैसे आप बना रहे हैं? चूल्हा बिल्कुल पिन्नी से सटा हुआ है? ना। पहले बता रहे थे आपके आग लग गई थी? हाँ लग गई पहले, बाद में पर फूस की झोपड़ी थी। जब फूस की झोपड़ी थी? हाँ। अब आग है यहाँ पे, यहाँ किस तरीके से ये लोग रहते हैं आप देख रहे हैं। आप ही नहीं के हैं यहाँ पड़ोसी हैं? अच्छा अच्छा। ये देखा आपने मकान, इस गांव के अंदर ये मकान है और ग्राम प्रधान अगर चाहे तो ऐसे जो गरीब तबके के लोग रह रहे हैं उनके लिए पक्के मकान की व्यवस्था करा सकता है। अक्सर ग्राम प्रधान को इसीलिए चुना जाता है कि ग्राम प्रधान कच्चों से पक्के मकान करा दे और इस तरीके से जो लोग बेचारे रह रहे हैं उनको ऐसी सुविधाएं दिलाए जिससे कुछ तो फ़ायदा हो। देख रहे हैं आप, चलिए और देखते हैं गांव का हाल। छह लोग मौजूद हैं यहाँ पे, उनसे भी चलो बातचीत करते हैं। हाँ जी बहन जी, आपसे 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 हाँ। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो सही रंग है। ये बताओ ये जैसे झोंपड़ी में दिखाओ थोड़ा झोंपड़ी की तरफ एक बार कैमरा फिर से कर, ये लोग रह रहे हैं हाँ। यहाँ जैसे कीड़ा कांटा जैसे पूरा जंगली जंगल है में, सांप बिलखलिया में, सांप भी निकलते हाँ, सांप बिलखलिया में बालकन के और पास तो जामे लिखले पड़े रहे बालक ही नंगे तंगे पड़े, जानवर वगैरह भी आने का खतरा आ जामे है ना, जानवर आ जाते हैं। अब तुम यहाँ जंगल तो जंगल ही है, जंगल है तो यहाँ मतलब कोई ऐसी सुविधा नहीं मिल पाई आपको? कोई ना मिली, कुछ ना प्रधान ने कुछ ना करी जी प्रधान ने सुविधा। आप क्या कहेंगे? आप हम क्या कहेंगे, यही कहेंगे आज 20 साल से बेचारिया पड़ी है दुखिया, प्रधान कम से कम ये तो देखे क्योंकि भाई यहाँ परेशान बालक बच्चे पड़े हैं लेके, कम से कम इनको घर या कुछ जमीन दिवा के कुछ बना दें तो कोई सुनवाई नहीं करें प्रधान जी। वोट लेने के लिए टाइम पे तो घर घर काम पड़ेंगे, छूंगे आके हाथ जोड़ेंगे, लेकिन यह बात न देखे कौन की कितनी परेशानी से चल रहा। बात भी सही है, जब वोट मारने का टाइम आता है ना तो हाथ जोड़ कर घर घर जाके पैर भी पकड़ते हैं, मगर जैसे ही प्रधान जीत जाता है उसके बाद कुछ नहीं है, अता पता भी नहीं रहता। ऐसा ही होता है? ऐसा ही होता है ना हाँ। चलिए गांव के अंदर चलते हैं और जानकारी लेते हैं गांव में। गांव के अंदर के और भी लोग हैं उनसे बात करेंगे। भैया आपसे बात करेंगे, थोड़ा रुक जाइए। आप इसी गांव के हैं ना? हाँ जी इसी गांव के। कहाँ खेतों में जा रहे हैं? खेतों में जा रहे हैं, भूसा लेने। अच्छा भूसा लेने। हाँ जी। तो खेतों में बड़ा ऐसा काम चल रहा है ना, गेहूं वेहूं कटने का? गेहूं वेहूं क्या, फसल बेकार हो गई सारी, तो फसल बेकार कर दी उस दिन, हवा फवा आ गई तो गांव में कुछ ना सब बर्बाद, हवा निकल गई गेहूं में से। सही कह रहे हैं आप, ऐसा हुआ है। चलो खैर एक जानकारी आपसे हमें चाहिए थी। बोलो जी। प्रधानी चुनाव का बड़ा जोर शोर से प्रचार प्रसार चल रहा है जी, है ना? रात को बड़ा धंधुकाल मच रहा होगा है ना? हाँ जी। आपके गांव में इस वक्त प्रधान कौन है? राजपाल सिंह चौधरी। तो प्रधान पद पर खड़े भी शायद कुछ वो खड़े हैं जी, है ना? गांव का कोई यहां, हमने अभी एक गांव में जैसे आप देख रहे हैं हम लोग, कच्चे पक्के मकान हैं, शौचालय बने हुए नहीं है, क्या कहेंगे? गांव का अगर प्रधान बढ़िया हो तो गांव की जनता खुश, जब गांव का प्रधान ही बढ़िया नहीं होगा तो गांव की जनता कहां से खुश होगी आप बताइए हाँ। जब गांव के प्रधान ही ऐसे डरा ढुसका कर बेला फुसका कर इनसे वोट ले लेते हैं और डराते हैं इनको धमकाते हैं, क्यों गरीब आदमी है तो इनका घर तो ऐसे बनेंगे, कब्जा करते हैं जमीन जायदादों पर, जो गरीब घर के रकबे पड़े हुए हैं जो ग्राम समाज की जगह उनको घेर लेते हैं। कुल मिला के गाँव में काम विकास कर रहे हैं? कुछ नहीं विकास है। आप गलियों गाँव की गलियों को जाकर देखें, गाँव की गलियों में खड्डे खार खड्डे हैं, बुग्गी भी ना खींचे। चलिए देखते हैं गाँव का हाल और भी। भैया ने जो बात कही सच बात कही, और गाँव में देख रहे हैं हम साफ तौर से ये मकान है चारों ओर, यहाँ कूड़ियों के ढेर लगे हुए हैं, कोरोना जैसी गंभीर बीमारी चल रही है उसके बावजूद भी साफ सफाई का कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। और चलते हैं लोगों से बातचीत करेंगे। गांव अछेजा घाट में ही काफी सारे यहाँ ग्रामीण मौजूद हैं, चलिए उनसे ही बातचीत करते हैं। सबसे पहले इन भैया से बात करेंगे, क्या नाम है? नवाब भाई। नवाब भाई आपके गांव में भी प्रधानी का जो चुनाव चल रहा है, प्रचार प्रसार भी जोर शोर से चल रहा होगा? हाँ जोर शोर से चल रहा है अभी तो। तो क्या कहेंगे इस बार जो वर्तमान प्रधान थे उन्होंने कुछ कराया या नहीं कराया? तो किसी ने कुछ ना है, लेकिन अब जो उम्मीद बना रहे हैं कि भाई हाँ अब आगे कोई ऐसा इंसान चुनेंगे जो कि काम करे, अन्य विकास के मामले में तो बिल्कुल फेल है, कोई कुछ ना करा उन्होंने ईमानदारी से। बात भी सही है,
खा गए सब। गांव वाले ग्राम प्रधान इसलिए चुनते हैं कि ग्राम प्रधान प्रधान बनने के बाद में शहर से योजनाएं लाएगा और गांव का विकास कराएगा। मगर हम यहां देख रहे हैं कि यहां पे किस तरीके से गंदगी के अंबार बिल्कुल लगे हुए हैं, जो साफ तौर से बीमारी को न्योता देते नजर आ रहे हैं। तो वहीं कई घर ऐसे हैं कि उन घरों में शौचालय नहीं बना और गांव जो उस घर के मालिक हैं वो लोग जंगल में जाने को मजबूर हैं। चलिए बाबू से बात करते हैं। क्या नाम बाबू? पदम सिंह। पदम सिंह बाबू जी, काफ़ी लंबा, कितनी उम्र होगी आपकी? 74। 74, वेरी गुड। आप तो एकदम हमसे भी ज़्यादा ताने। मेरे कहीं चोट लग गई मेरे। अच्छा ये बताओ कि आपने काफ़ी सारी प्रधानी देखी होगी अपने समय में। बहुत देखी है। गांव का विकास किसने कराया अब तक? प्रधान ने। जो कौन सा प्रधान, नाम बताओ। कोई किसी ने भी ऐसा ना कराया संतोषजनक। हाँ। सब ऐसे ही चला, काम चलाओ काम चलाओ। पिछली पंचवर्षीय योजना में जितना पैसा आया उससे पहले किसी में भी नहीं आया। ये बताते हैं नहीं, एक करोड़ 20 लाख पिछली में तो बहुत ज्यादा आया था है ना, मगर विकास का कोई अता पता नहीं है। वजह क्या मानेगा? खा गए सब प्रधान ही खा गए। इस बार कोई ऐसा प्रधान चुनने जा रहे हैं जो काम करवा सके? हाँ सोच तो ऐसे ही रहे हैं जी। हाँ बात बिल्कुल सही है। आपसे बात कर लें। क्या नाम है आपका? बोल दो। मदीना। आपके शौचालय वगैरह बने घर पे सरकार की तरफ से? नहीं बना। और कोई फैसिलिटी किसी तरीके की? राशन टाइम पे मिला? ऐसी मिल रहा है कहीं राशन? जोर से बोल। एक ही कार्ड दे मैं कहीं हो? जोर से बोलो, थोड़ा सा जोर से बोल दो। बोल दो। एक ही कार्ड दे मैं राशन कार्ड दे मैं। एक का कार्ड देते हैं हर बार? कितनी यूनिट है आपकी? 5 मेंबर हैं। और कितना देते हैं राशन टोटल? कितना आवे रे अरसद, कितना आवे? हर महीने 10 किलो चावल आवे, 10 किलो गेहूं। 4 यूनिट? 5 यूनिट पे। हाँ और कार्ड दे मैं एक कार फेरा कभी किसी बच्चे का। बात अगर ग्राम प्रधान की करें तो घोटाला नजर आता है, अगर राशन डीलर की बात करते हैं तो घोटाला नजर आता है। अब ग्राम प्रधान भी घोटाला क्यों ना करें, कहीं ना कहीं इसमें सरकार की भी कमियां हैं, क्योंकि ग्राम प्रधान को कोई भी सैलरी नहीं दी जाती, सिर्फ भत्ता दिया जाता है, वो भी मात्र 3500 रुपये। अब उस 3500 रुपये में या तो वो किचन का खर्चा चला ले, बच्चों को पढ़ा ले, या फिर जो प्रधानी टाइम में पैसा उसने खर्च किया उसकी भरपाई कर ले। तो जो योजनाएं मिलेंगी जाहिर सी बात है कि उनमें वो घोटाला ज़रूर करेगा और शायद इसीलिए गांव का विकास नहीं हो पाता। ये सब ग्रामीण हैं, काफ़ी गुस्से में नजर आ रहे हैं। आपसे भी बात करते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आमिर। आमिर बताइए, आमिर के कैसा प्रधान चाहिए गांव में आपको? तो अच्छे प्रधान ये जो सबकी संभावना माने और थोड़ा गया जो सबकी बात माने। हाँ विकास करेगा। देखो प्रधान तो और भी बेहतर खड़े हो रहे हैं, मगर चुनाव जाए जो अच्छा होगा। इस बार जो प्रधान रहे उन्होंने अच्छा काम कराया? कुछ भी नहीं कराया। देखो ये नाला है हमारे यहाँ पर। हाँ। ये नाला बनना इतना गहरा नाला है, कोई घरों को बच्चा भी गिर जाए तो डूब जाएगा ना। हाँ। नाले इतने गहरे भी ना होते हैं, नाल भी हल्के होते हैं, मगर बहुत गहरा बना नाला, भी कोई फायदा नहीं है प्रधान जी से। है जी किसी बात की सजदा ना है, कोई सुविधा नहीं है गाँव में। चलिए खैर, फिलहाल ग्रामीणों का साफ तौर पर यही कहना है कि गाँव के अंदर कोई ऐसी सुविधा नहीं है जो गाँव वालों को कोई फायदा दे सके। चुनावी दौर चल रहा है कि देखते हैं इस बार अपने गांव के लिए ये किसको प्रधान चुनते हैं। आज इस वक्त हम मौजूद हैं बुलंदशहर ब्लॉक के गांव अछेजा घाट में और यहां प्रधान पद के जो प्रत्याशी भी हैं और वर्तमान प्रधान भी हैं उनसे बातचीत करते हैं। क्या नाम सर आपका? मैं मेरे पुत्र वधु प्रत्याशी है इस समय। अच्छा अच्छा। मैं पिछले योजना में था तो मेरा कार्यकाल तो खत्म हो चुका है, लेकिन पुत्र वधु प्रत्याशी हैं जी। देखभाल तो सब आप ही करेंगे, जाहिर सी बात है, जब आप पहले से प्रधान भी हैं। सामाजिक रूप से जो कार्य हैं, हाँ। सहमति बनानी है वो सब मैं करूंगा। बाकी अच्छा एक बात बताइए, आपके गांव का हमने आज दौरा किया जी। काफी हम लोग घूमे हैं, देखा है चारों ओर जी। तो बाबूजी हमें जो सुविधाएं होनी चाहिए गांव वालों के लिए वो हमें दिखाई नहीं दी, जैसे कि स्वास्थ्य केंद्र है आपके गांव में? जी स्वास्थ्य केंद्र है। ANM ये डॉक्टर तो बैठते नहीं है वहाँ?
वो सिर्फ एक डमी है। ये डमी जब सुनते नहीं है, आपने कोई शिकायत पत्र डीएम साहब को दिया लिखित में? कई बार शिकायत कर चुके हैं, कह चुके हैं, लेकिन वहाँ पे कोई आता नहीं है। तो देखो, ये तो प्रधान, चलिए अगर प्रशासन सहयोग करेगा तो प्रधान उसमें आगे बढ़ जाएगा। चलिए दूसरी बात करते हैं। कई गांव में ऐसे घर हैं कि वो कच्चे बने हुए झोंपड़ी पड़ी हुई हैं, ठीक है। चलिए बात मान लेते हैं कि इस बार जो आपकी कार्यकाल था उस दौरान ऐसी योजना नहीं थी कि मकान लाए जाते, है ना, मगर वो लोग शौच करने के लिए जंगल में जाते हैं, ये बड़ी बात है। जबकि इस बार हमारा जिला ODF में घोषित किया गया है और घर 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 जाके जो ग्राम प्रधान थे उन्होंने शौचालय बनवाने का कार्य किया और काफ़ी शौचालय भी बनाए। तो सर वो शौचालय कैसे नहीं बन पाए उनके? शौचालय तो यहाँ कई बार देखिए मुनादी भी की गई और ब्लॉक की टीम ने भी सर्वे किया। मुनादी का मतलब होता है यानी कि जैसे ढोल बजवा देते हैं या ऐलान करा देते हैं ना? ऐलान करा दिया, कई बार सभी को इन्फॉर्म कर दिया गया कि जिसे भी अपना शौचालय बनवाना है वो शौचालय बनवाना है। अच्छा, वोट मांगने के लिए आप कौन जाता है, आप जाते हैं या आपकी पुत्र वधू भैया जाते हैं, आपके बेटे जाते हैं, आप जो जा रहे हैं? जैसे मुझे जीवन में कभी वोट मांगने की जरूरत नहीं पड़ी। कभी नहीं गए वोट मांगने? नहीं, जाते हैं फॉर्मली। जैसे अब जैसे दौर चल रहा है भाई, रात बिरात में जाते हैं ना, 11-12 पंचवर्षीय से प्रधानी हमारे पास है, तो ये वैसे ही तो है नहीं। जी जी भाई, कुछ हमारा व्यवहार सही होगा तभी तो प्रधानी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो एक बात बताइए सर, बात वहीं आ जाती है कि जिस वक्त चुनावी दौर होता है उस वक्त प्रधान पद के जो प्रत्याशी होते हैं वो घर घर हाथ जोड़ के वोट मांगते हैं, घर घर जाते हैं ना, माता जी आशीर्वाद दे दीजिए, बाबूजी आशीर्वाद दे दीजिए, है ना। मगर जैसे ही वो जीत जाते हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि हमने मनादी करवा दी थी, मनादी का मतलब होता है कि ऐलान करवा दिया, तो घर घर जाने की आपको भी तो जरूरत थी उस टाइम। नहीं, मेरे सुनिए पहले, जब ये आदेश हुए कि गांव में शौचालय बनने हैं और हमसे लिस्ट मांगी गई, हमने एक बार नहीं 3 बार लिस्ट गांव में पूरा सर्वे करने के बाद भेजी। उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारी टीमें, ब्लॉक की टीम सर्वे करेंगी, जो लिस्ट हमने बनाई उसके अनुसार उन्होंने काम नहीं किया। ब्लॉक वाली जो टीमें आई उन्होंने मिलकर जैसे भी जिसका किया, हमने तो यानी ब्लॉक की गलती है आपकी इसमें, कोई गलती हमारी क्या गलती है इसमें भाई, जैसे ब्लॉक वालों ने चाहा वैसा हुआ, जिसकी रिपोर्ट लगाई कि ये पात्र है, पात्र नहीं है। पंचायत भवन है गांव में? नहीं, पंचायत भवन नहीं होना चाहिए ना भाजी? नहीं होना तो चाहिए लेकिन नहीं है। कॉलेज कहाँ तक, अपने डिग्री कॉलेज या कोई इंटरमीडिएट? जूनियर स्कूल है गाँव में। और ऐसी कौन सी यहाँ पर ऐसी सुविधा नहीं है जो आप लाना चाहेंगे? यहाँ पे देखिए पिछली दो पंचवर्षी से, बल्कि इसी पंचवर्षी में थे हम, इससे पहले दूसरे थे, जितने गांव में रास्ते पक्के कराए जा सकते थे करीब करीब बजट और स्कूल में, स्कूलों में दो गांव हैं हमारे और दोनों ही गांव के रास्ते, तो हमें तो इतना भी नहीं बचा कि हम लाइट भी लगवा पाते। एक बात बताएं बाबूजी, हम आपको जी, सरकार ने पिछली पंचवर्षीय योजना में बहुत अच्छा खासा पैसा दिया ग्राम प्रधानों को, ठीक है। आप एक मिनट सुन लीजिए, एक मिनट सर, मैं मेरी बात आपको बोल रहा हूँ। हाँ, वो लगाया आपने, उसका टोटल लगाया आपने, मैंने ये नहीं कह रहा आपने नहीं लगाया, मैं भी यही कह रहा हूँ कि आपने बहुत अच्छा काम किया, ठीक है। पिछली पंचवर्षीय योजना में ग्राम प्रधानों को सरकार ने अच्छा खासा पैसा दिया, शौचालय बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए, लाइटों के लिए बहुत सारा पैसा दिया और ग्राम प्रधानों काम भी किया। काम भी क्यों ना करें, अगर पैसा पीछे से सरकार काम कराने के लिए दे रही है तो काम तो होना भी चाहिए और करवाता भी है प्रधान, उसकी मजबूरी बन जाती है। और प्रधान इसलिए चुना जाता है भी गाँव का विकास करे, है कि नहीं। मगर जब गाँव में पंचायत भवन नहीं है, ग्रामीणों को बताए कैसे कि भाई कौन कौन सी योजनाएं चल रही हैं, तो आपके गांव में तो पंचायत भवन नहीं। दूसरी बात, इस गांव को बहुत सारी ऐसी मूलभूत सुविधाएं हैं जो नहीं मिल पा रही हैं
उनसे लोग वंचित रह गए हैं। आप लोगों के बीच जाके नहीं बैठ पाते हैं, कुछ इस तरीके के ग्रामीण जो लोग कह रहे हैं, झोंपड़ी डाल के लोग रहने को मजबूर हैं, कई सारे एक दो झोंपड़ी हमने देखी हैं, और उनके शौचालय नहीं बने, ये बड़े दुख की बात है। ये सारी चीज़ें इस बार अगर आपको गांव वाले चुन लेते हैं तो क्या आप करवा पाएंगे? प्रशासन मुझे हेल्प देगा और मेरी सपोर्ट करेगा तो मैं तो कहता हूँ 50 घर बना दो, दे दो मुझे, मुझ पे मेरे घर से तो कुछ जा नहीं रहा। बिल्कुल, जब प्रशासन ही उसमें जो हेडेक बन जाता है और वो पॉलिटिक्स करता है तो प्रधान क्या कर लेगा। बिल्कुल, कई बार मैंने स्वच्छता के बारे में जो कूड़ी वगैरह पड़ी हैं आज तक प्रशासन ने एक पॉइंट पे भी मुझे सपोर्ट नहीं किया, मैं किससे सर फोड़ लूं। अच्छा एक चीज और, गांव चमका दिए, सड़कें बनवा दी, बहुत अच्छा गांव का मामला कर दिया है ना, स्कूलों में बड़ा अच्छा पैसा लगाया, उसकी डेकोरेशन बड़ी प्यारी प्यारी होगी, हमने बहुत सारे गांव के स्कूलों का, हमने आपके गांव का स्कूल भी देखा, बड़ा प्यारा बना हुआ है, फूल पत्ती वहां पे, उस पे चित्र बहुत अच्छा लगा हुआ, मगर जो पढ़ाई है, अब चलो एक साल से तो कोरोना चल रहा है, वो चार साल जो पीछे बीत गई, पढ़ाई निज की तिज, पढ़ाई में कोई भी डेकोरेशन नहीं हुई, कोई भी उन्नति नहीं हुई, जैसे पढ़ाई सरकारी स्कूल में पहले हुआ करती थी वैसे ही पढ़ाई आज भी हो रही है। वो आपकी गलती नहीं, मैं नहीं कह रहा हूँ ये आपकी गलती है, बशर्ते अगर जो सरकार है शिक्षा विभाग को अगर अलर्ट करे पढ़ाई को लेकर तो शायद कहीं ना कहीं पढ़ाई भी अच्छी हो कि नहीं हो। शिक्षा विभाग जहाँ जरूरत है चार टीचर्स की वहाँ तो एक या दो टीचर, हाँ। और जहाँ जरूरत है एक टीचर की वहाँ पाँच पाँच छः छः टीचर लगा देते हैं, तो ये तो देखिए मनमानी जब तक प्रशासन करता रहेगा और जब तक भ्रष्टाचार रहेगा कुछ नहीं होने का। अच्छा बाबू जी, आप कैसे एजुकेशन का तो छोटे स्तर से ही लगा लीजिए आप, प्राइवेटाइजेशन होने के बाद में प्राइवेट स्कूल बन गए, एक बच्चा नर्सरी के बच्चे के लिए लाखों रुपए खर्च कर देता है एक आदमी, और उसमें भी पूर्ति नहीं पड़ती, और लोगों की भी मेंटेलिटी क्या हो चुकी है कि हम प्राइवेट में पढ़ाएं, सरकारी में तो ढूंढ ढूंढ के लाने पड़े हैं बच्चे।